Not in Jurassic Park. फिल्मी अपडेट की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का पहला सबसे बड़ी अपडेट है डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार को लेकर, जिनका अपकमिंग फिल्म है जेला 2। इस उनके स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रही है। एक्टर योगी बाबू ने कंफर्म किया है कि जेला 2 में उनको भी हम देख पाएंगे। सो दरबार, जेलर, इन दोनों फिल्म के बाद फिर से हम एक बार रजनीकांत और योगी बाबू का कोलाबोरेशन देख पाएंगे। सो आप देखते हैं इस फिल्म का स्टोरी कैसा रहता है और फिल्म ओवरऑल फर्स्ट पार्ट की तरह एक एंगेजिंग एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती है कि नहीं। रेबल स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साहब, इस फिल्म का एक ग्लिम्स वीडियो निकाला गया है, जिस वीडियो में इसका ऑफिशियली न्यू रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है। ये फिल्म पहले संक्रांति 2025 रिलीज होने वाली थी, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट ना होने के कारण इस फिल्म को पोस्टपोन किया गया है। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 में रिलीज होगी, जिस दिन पहले रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस फिल्म का भी शूटिंग में बहुत टाइम लगेगी, इसलिए उस फिल्म का भी मेकर्स ने उस फिल्म को पोस्टपोन किया है 10 अप्रैल से। अब वो फिल्म 2025 की एंड तक रिलीज होगी। इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स की तरफ से बहुत ही जल्द आने वाली है। बॉलीवुड की नेक्स्ट मैग्नम ओपस फिल्म रामायण, फिल्म का डायरेक्टर है नितेश तिवारी। फिल्म का कास्टिंग ह्यूज है, सो फिल्म को लेकर ऑलरेडी एक हाइप बन चुकी है। रिसेंटली इस फिल्म का मुंबई में शूटिंग स्टार्ट किया गया है, जो बहुत ही बड़ी सेट लगाई गई है। इसके सिवा और भी 11 सेट बनाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही बड़ी स्केल पर शूट किया जाएगा। तो ये फिल्म दो पार्ट में बनने वाली है, जिसका पहला पार्ट का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मेकर्स ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, और उसके बाद दूसरा पार्ट भी, वो भी एक साल के अंदर रिलीज होते हुए हम देख पाएंगे। अक्षय कुमार की एक और अपकमिंग फिल्म जो 2 अक्टूबर रिलीज होगी, फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, मेडअप फिल्म्स की तरफ से आर्ट। इस फिल्म का शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इस फिल्म में पहले MM किरवानी म्यूजिक देने वाले थे, लेकिन उनको अब रिप्लेस करते हुए तमिल म्यूजिक डायरेक्टर GP प्रकाश वही अब इस फिल्म का म्यूजिक देंगे। देखते हैं इस फिल्म का म्यूजिक कैसा निकल के आती है। आज का बहुत बड़ी अपडेट बोला जा सकता है जूनियर NTR को लेकर आई है एक खबर। सो पहले अपडेट दिया था कि हाई नाना फिल्म का डायरेक्टर सौरभ के साथ NTR एक फिल्म करने वाली है, लेकिन आज जो अपडेट निकल के आई है कि ये बहुत ही बड़ी एक्शन फिल्म होगी, जिसको दो पार्ट में बनाई जाएगी, जिसका शूट 2026 से स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2007 या फिर 2008 तक रिलीज होते हैं हम देख पाएंगे। इसका प्रोड्यूसर रहने वाला है वायरा एंटरटेनमेंट, जिन्होंने हाई नाना फिल्म को प्रोड्यूस किया था। अब देखते हैं इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक करते हैं। किंग खान की फिल्म द किंग, फिल्म का डायरेक्टर है सुजय घोष। तो इस फिल्म से एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है कि इस फिल्म में हम एक और एंटागोनिस्ट के रोल में हम SJ सूर्या को देख पाएंगे। इससे पहले अभिषेक बच्चन को सुना था मेन एंटागोनिस्ट प्ले करेगा, उसके बाद अर्जुन दास का भी नाम सुनने को मिली थी, आप SJ सूर्या का नाम। फिल्म में बहुत ही एक्साइटिंग कास्टिंग देखने को मिल रही है, आप देखते हैं फिल्म ओवरऑल कैसा निकल के आती है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी भंगा की अपकमिंग फिल्म है स्पिरिट, जिस फिल्म में मेन लीड में हम प्रभास को देख पाएंगे। सो इस फिल्म का शूटिंग अब डिले किया गया है। इस फिल्म का शूट नेक्स्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट होने वाली है और ये फिल्म 2026 की एंड तक रिलीज होगी। अब जो अपडेट निकल के आई है कि इस फिल्म में हम प्रभास को डबल रोल में देख पाएंगे, यहाँ पर हम प्रभास को एक हीरो और एक विलेन के तौर पर देख पाएंगे। रामपुत्र ने की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डबल स्मार्ट की ट्रेलर रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ट्रेलर अब 4 अगस्त आने वाली है। टीजर उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, अब देखते हैं ट्रेलर कितने ज़्यादा ऑडियंस के बीच में हाइप बास क्रिएट कर पाती है। आमिर खान की एक और अपकमिंग फिल्म के बारे में सुनने को मिल रही है, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ जो एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। रिसेंटली उन दोनों के बीच में एक मीटिंग रखी गई थी, अब देखते हैं इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आती है। सोनू सूद की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका डायरेक्टर वो खुद ही है, फिल्म का नाम है फाते। इस फिल्म में सोनू सूद के साथ जैकलिन फर्नांडिस भी है। ये फिल्म पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। ये फिल्म 10 जनवरी 2025 में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया 3 का टीजर आने वाली है। इस फिल्म का शूटिंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और मेकर्स का प्लानिंग है कि अगस्त की मिड तक इस फिल्म का एक टीजर लाया जाए। अब देखते हैं टीजर कैसा निकल के आती है। आज का लास्ट एंड फाइनल अपडेट दो मूवी का OTT रिलीज डेट को लेकर। पहला मूवी है मुंजा, जो हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। ये फिल्म अब 2 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। और दूसरी है चंदू चैंपियन, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हुई थी। चंदू चैंपियन ये मूवी 9 अगस्त से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी। सो जो लोग इन दोनों मूवी को थिएटर में मिस कर दिया था, वो लोग देख सकते हो। सो आज का हमारा ये फिल्मी अपडेट एपिसोड वीडियो यही तक था। हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आना। टिल देन, बाय।